और बात कैराना के समाजवादी पार्टी विधायक नाहिद हसन की तर्ज पर वीएचपी की फायर ब्रांड नेता साध्वी प्राची की करेंगे, क्योंकि इन्होंने कांवड़ियों से मुस्लिम कारीगरों से कांवड़ ना लेने की अपील की है। बागपत में कांवड़ियों के बीच प्राची ने कहा कि जय श्री राम के नाम पर मॉब लिंचिंग के आरोप लगाकर फर्जी वीडियो बनाकर देश को बदनाम किया जा रहा है। सावन के महीने में जब आसमान से रिमझिम फुहारे बरस रही है, वीएचपी की फायर ब्रांड नेता बागपत में साध्वी प्राची जुबानी अंगारे बरसाती नजर आईं। उनके निशाने पर थे कैराना के विधायक नाहिद हसन, जिन्होंने पिछले दिनों मुसलमानों से बीजेपी से जुड़े दुकानदारों के बहिष्कार की अपील की थी। साध्वी प्राची ने उसी अंदाज में मुस्लिम कारीगरों के हाथों बनी कांवड़ न खरीदने की अपील कर डाली। अपने भड़काऊ भाषणों के लिए अक्सर चर्चित रहने वाली साध्वी प्राची कांवड़ शिविर का उद्घाटन करने बागपत आई थी। अपने भाषण में बगैर नाम लिए उन्होंने एक समुदाय के प्रति खूब आग उगली। प्राची ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी के सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास नारे को फ्लॉप करने की साजिशें चल रही हैं। फर्जी वीडियो बनाकर जय श्री राम नारे को लेकर सरकार को बदनाम किया जा रहा है। वो वीडियो बना करके साध्वी प्राची देश के उन 49 जानी मानी हस्तियों की चिंता को ठेंगा दिखा रही हैं, जिन्होंने जय श्री राम किनारे पर मॉब लिंचिंग को लेकर प्रधानमंत्री को खत भेजा था। देश में जिस तरह से नफरती जुबानी जंग का दौर चल रहा है, उसे देखते हुए यकीन मानिए, ये बयानबाजी साध्वी प्राची तक ही रुकने वाली नहीं, ये सिलसिला आज आगे बढ़ सकता है। दुष्यंत त्यागी, बागपत, आज तक।